उसको 2-3 दिन पहले फोन करके मैंने उसको बोला, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए जी, एक्चुअली मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ज्यादा हूँ, तो शाम को मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी, मुझे बहुत पसंद है देखना, तो हर रात को मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ सोने से पहले। तो पिछले कई महीनों से मैं कपिल का शो देखता हूँ और मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ इनका, तो मैं मतलब आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मैं मुस्कुरा रहा था जब वो आए। लव यू आमिर भाई, आपने अब तो इतने मेरी इतनी शामों को इन्होंने रंगीन बनाया है, तो इतना हंसा हूँ मैं, इतना एंटरटेन हुआ हूँ। तो मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैंने फ़ोन करके बोला कपिल जी से कि थैंक यू सो मच, आप इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को, ये इतना बड़ा काम है लोगों का दिल बहलाना। सो आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस कपिल। थैंक यू आमिर भाई। और आपने मुझे कभी शो पे नहीं बुलाया, ये यार ये गलत बात होगी। देखो इससे पहले कि वो पूछे मैं ही बोल देता हूँ। भाई आप देखो, कपिल से एक कदम आगे हूँ मैं। हमारा सौभाग्य होगा जिस दिन आप आओगे। और मैंने बहुत बार जब भी आमिर भाई से कभी मुलाकात हुई, हमेशा भीड़ भाड़ में हुई, तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया आमिर भाई को, तो बोलते ठीक है मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, वापस आके बात करते हैं, कट उसी 3 साल बाद मिलते हैं। सो आप आएंगे तो मैं 100% आऊंगा। लेकिन मैं एक और चीज बोलता हूँ, आप क्या है मेरी रिलीज के टाइम पे आप मुझे बुलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए मुझे रिलीज के लिए नहीं आना है, मुझे आप ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बुलाइए। डेफिनेटली डेफिनेटली आमिर भाई।